नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडीकेजी स्टडीज एंड एसडीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, जीएफआर के चैप्टर 6 का हम एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जब हम एमसीक्यू की डिस्कशन करते हैं तो हम पार्टिकुलर क्वेश्चन के द्वारा उस पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। पर्पस ये होता है कि अगर क्वेश्चन कुछ टिल्ट करके भी आ जाए, क्वेश्चन कुछ लेफ्ट राइट करके भी आ जाए, उससे जुड़ते कुछ तीसरे चौथे क्वेश्चन आ जाए, उनको भी हम सॉल्व कर सकें। इसलिए जब भी हम क्वेश्चन कोई सॉल्व करते हैं उसके साथ हम पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। हो सकता है कि उसके लिए 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए। पर्पस हमारा लर्निंग है। तो आइए चैप्टर 6 की एमसीक्यू 21 से देखिए, ये 21 से लेके 30 तक की अभी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और हाँ, ये 21 से 30 तक का हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि नाउ इट इज अपडेटेड अप टू 1 जनवरी 2024। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2024 को भी जीएफआर में कुछ अमेंडमेंट किए हैं। तो उस अमेंडमेंट को ध्यान में रख करके इसमें आंसर फ्रेम किया गया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर पुराने के हिसाब से दूसरे थे, अभी बदल चुके हैं, तो बदले के अनुसार हमने आंसर इसमें प्रिपेयर किया है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 11 to 20 आप देख चुके हैं। एक स्पेशल एमसीक्यू ऑन जेम पोर्टल, वो भी आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लें। क्वेश्चन नंबर 21, परचेज थ्रू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी मे बी एडॉप्टेड इवन वेयर द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रोक्योरमेंट इज मोर देन 25 लाख इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज एक्सेप्ट। सो क्या है, अब तक हम क्या पढ़े थे कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में, ये प्रोबेबली रूल 161 होगा। सो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में अप टू 25 लाख के जो अमाउंट होते हैं वहां तक हम प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, अप टू 25 लाख। 25 लाख से ज्यादा हो जाता है तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जाते हैं, और 25 लाख से कम होता है तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी प्रोसेस से जाते हैं। प्रश्न यहां पर यह है कि कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जहां पे अमाउंट 25 लाख से ज्यादा हो जाए तो भी प्रोक्योरमेंट जो होगा वो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के द्वारा ही होगा। कुछ ऐसे भी सिचुएशन है, यहां क्वेश्चन जो है एक्सेप्ट है, अर्थात इनमें से कौन ऐसा नहीं है, बाकी सब में कोई एक ऐसा है जिसमें वो लागू नहीं होता, बाकी सब में ऐसा सिचुएशन है जिसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ मोर देन 25 लाख इज ऑल्सो डन अंडर लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। सो ए, द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इन द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट सर्टिफाइज दैट द डिमांड इज अर्जेंट एंड एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व बाई not procuring through advertised tender inquiry is justified in view urgency. So, ये जो है because of urgent nature, because of demand in urgent. ठीक है, there are sufficient reasons indicating that it will not be in a public interest of to procure the goods through advertised tender inquiry. कुछ public interest की बात आ जाए जहां पर एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी करना ठीक नहीं लगता हो। ठीक है, द सोर्सेज ऑफ सप्लाई आर डेफिनेटली नोन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश सोर्स बियॉन्ड दोज बीइंग टैप्ड इज रिमोट, जिसमें गिनती के कुछ सप्लायर हों। तो देखने में तो ये तीनों सही लग रहे हैं, सो ये तीनों एक्सेप्शन नहीं हो सकते ऐसा लग रहा है। आंसर पर पहुंचने से पहले हमें प्रोविजन देखेंगे। सॉरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी जो है वह रूल नंबर 162 है।
सो प्रोविजन क्या कहता है, वह रूल 162 लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी परचेज थ्रू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी मे बी एडॉप्टेड इवेन, ये सब क्लॉज 3 है, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 में लिखा है बिलो 25 लाख, सब क्लॉज 3 में परचेज थ्रू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी मे बी एडॉप्टेड इवेन वेयर द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रोक्योरमेंट इज मोर देन 25 लाख रुपीज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। सो यहां पर ये कुछ सर्कमस्टेंसेज बता रहे हैं, अगर वो सर्कमस्टेंसेज हम समझ लेते हैं तो एक्सेप्शन वाला हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो पहला क्या है, द कंपिटेंट अथॉरिटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट सर्टिफाइज दैट द डिमांड इज अर्जेंट। सो अर्जेंसी ऑफ डिमांड, आप देखें अर्जेंसी ऑफ डिमांड जो है ये यहां पर है, डिमांड इज अर्जेंट। सो इस सिचुएशन में थ्रू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी मोर देन 25 लाख को परचेज किया जा सकता है, ये एक्सेप्शन नहीं है, राइट। सेकेंड, देयर आर सफिशियंट रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इंडिकेटिंग दैट इट विल नॉट बी इन अ पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोक्योर द गुड्स थ्रू एडवर्टाइज। सो पब्लिक इंटरेस्ट, देखिए ये इट विल नॉट बी इन अ पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोक्योर द गुड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। सो ये भी इस ग्राउंड में फॉल करता है, सो ये भी एक्सेप्शन नहीं है। द सोर्सेस ऑफ सप्लाई आर डेफिनेटली नोन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश सोर्स बियॉन्ड दोज बीइंग टैप्ड इज आल्सो रिमोट। सो ये तीसरा भी, द सोर्सेज ऑफ सप्लाई आर डेफिनेटली नोन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश सोर्सेस बियॉन्ड दोज बीइंग टैप्ड इज रिमोट, ये भी सही है। ये तीनों ग्राउंड पे प्रोक्यूरमेंट मोर देन 25 लाख कैन बी डन थ्रू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, राइट। द सफिशियंट टाइम शुड बी अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी केसेस। ध्यान क्या रखना है, सफिशियंट टाइम देना है फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। सो मोटा मोटी हमने क्या समझा, जनरली लिमिटेड, देखिए एज पर रूल 162 जनरली लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी प्रोसेस इज डन फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस अमाउंटिंग अप टू 25 लाख। बियॉन्ड 25 लाख एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी विल गो, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी अप टू 25 लाख। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस वेयर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इवन फॉर मोर देन 25 लाख कैन गो अंडर लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी अंडर ओनली 3 circumstances, ओनली 3 circumstances। वट आर दिस, अर्जेंसी ऑफ द डिमांड, ये देखिए आपने अर्जेंसी ऑफ द डिमांड ध्यान में रख लेना है, इट विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोक्योर द गुड्स थ्रू एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, एंड sources of supply are definitely known and possibility of fresh source beyond those being tapped is remote. ये तीन condition पर भी limited tender inquiry process adopt किया जा सकता है, even though the cost of the procurement of the goods or services is more than 25 lakh. So अब हम पहुंचते हैं अपने question पर। So question हमारा ये है ना, सो क्वेश्चन हमारा ये है और अब इसमें सिर्फ और सिर्फ डी इज द करेक्ट आंसर। सो द गुड्स अंडर प्रोक्योरमेंट इज ऑफ हाई वैल्यू एंड डेलिकेट नेचर, ये इसमें मेंशन नहीं है, देखिए ये इसमें मेंशन नहीं, सिर्फ 3 ही एक्सेप्शन है, ठीक है। सो 21st का जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd, पिक द इनकरेक्ट वन। देखिए ऐसा है, एग्जामिनर तरह तरह के क्वेश्चन को टिल्ट करके पूछता है और सबसे ट्रिकी एंड ट्रैपी क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें शुरू में ही इनकरेक्ट वन फाइंड करने के लिए देते, एक्सेप्ट करके पूछते, तो कंफ्यूज होना आसान हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर भी शुरू में इनकरेक्ट दिया है, मैंने हाईलाइट कर दिया है यहां पर, देखिए
पिक द इनकरर, मैंने हाईलाइट किया है, एग्जामिनर हाईलाइट नहीं करेगा, एग्जामिनर सीधे सेम फॉन्ट में पूछता है। हमें कॉशियस रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। पिक द इनकरेक्ट मार्क फॉर परचेजिंग हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी ETC ऑफ ए कम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नेचर। बिट्स मे बी अपटेंड इन टू पार्ट्स, टेक्निकल बिट एंड फाइनेंशियल बिट। सो बिट्स मे बी अपटेंड इन टू पार्ट्स, टेक्निकल बिट एंड फाइनेंशियल बिट। सही है, सारे बिट्स टू पार्ट में होते हैं, टेक्निकल बिट होता है फिर फाइनेंशियल बिट होता है, तो ये तो सही लग रहा है। फिर टेक्निकल बिट कंसिस्ट ऑफ ऑल टेक्निकल डिटेल्स अलोंग विद कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड फाइनेंशियल बिट इंडिकेटिंग आइटम वाइज प्राइस फॉर द आइटम्स मेंशन्ड इन द टेक्निकल बिट। ये भी ठीक है, टेक्निकल बिट में सारे टेक्निकल डिटेल होते हैं और फाइनेंशियल बिल में बिट में आइटम वाइज प्राइस इंडिकेट होते हैं, सो बी भी सही लग रहा है। द टेक्निकल बिड एंड द फाइनेंशियल बिड शुड बी सील्ड बाय द बिडर इन सेपरेट कवर्स ड्यूली सुपर स्क्राइब्ड एंड बोथ द सील्ड कवर्स आर सबमिटेड सेपरेटली। नॉर्मली ये जो मैनुअल टाइप का प्रोसेस है वो लोकल परचेज कमिटी के द्वारा किया जाता है रूल 155 में। द आइटम्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑन जेम, सो जेम से NOC ले करके और तब ये मैनुअल वाला प्रोसेस किया जाता है। तो मैनुअल वाले प्रोसेस में सील्ड कवर में टेक्निकल बिल और फाइनेंशियल बिल दोनों रखे जाते हैं। बोथ कवर्स, बोथ दीज सील्ड कवर्स आर सबमिटेड सेपरेटली। ये थोड़ा डाउट है, देखते हैं इसका क्या है। The technical bids are to be opened by the purchasing ministry or department at the first instance. ये सही है, सबसे पहले technical bid open किया जाता है and evaluated by a competent authority, at the second stage, financial bid of the only these technical acceptable offers should be opened. ये भी सही है, जो technical bid को qualify करेंगे, जो technical bid को qualify नहीं कर पाए वो eliminate हो गए, process से out हो गए। Those who have succeeded in technical bid, only they will be evaluated in the financial bid for further evaluation and ranking before awarding the contract. ठीक है, तो ये D भी सही लग रहा है। Doubt हमें सिर्फ C पे है, हाँ? क्यों doubt है ये हम आगे समझ के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए क्या process कहता है। In manual bidding, the technical bid and the financial commercial bid should be sealed by the bidder in separate covers duly superscribed to indicate the appropriate bid. यहां तक उसने भी mention किया हुआ है, यहां तक इसमें भी mention किया हुआ है, C में भी mention किया हुआ है। Both these sealed covers are to be put in a bigger cover which should also be sealed and superscribed as prescribed below. So, यहाँ पर single bigger cover में डालने की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है? Both these sealed covers are submitted separately. Separately नहीं है, single bid cover में, single big cover में technical bid and financial bid इन दोनों के paper डाले जाएंगे। So, C जो है रॉन्ग आ रहा है, सी इज द इनकरेक्ट। ए बी डी सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऐसा है, एक MCQ हम सॉल्व करेंगे उसमें से मल्टीपल MCQ हो सकते हैं, ये सब अपने आप में MCQ हो सकते हैं। एक सॉल्व करने से 5-6 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। टेक्निकल बिट पहले ओपन किया जाता है, फाइनेंशियल बिट बाद में ओपन किया जाता है। टेक्निकल मैनुअल केसेस में टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों के इनवेलप पे लिखा जाता है, उसके कवर पर लिखा जाता है कि ये टेक्निकल बिड है और ये फाइनेंशियल बिड है। C
सील्ड करने के लिए एक बड़े कवर में सील करके एक ही कवर रहेगा। टेक्निकल बिड जिसका सक्सेसफुल होगा, जिसका इवेल्युएशन होने के बाद सक्सेसफुल होगा, वहीं सिर्फ फाइनेंशियल बिड में जाएगा। जो टेक्निकल बिड में इलिमिनेट हो गए वो फाइनेंशियल बिड में नहीं जाएंगे। ये सब क्वेश्चन है, समझते जाइए, आसानी रहेगी सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स मे बी रिसोर्टेड टू इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस एक्सेप्ट। प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, नॉर्मली क्या होता है कि मिनिमम 3 बीडर चाहिए, चाहे लोकल परचेज कमिटी से खरीद रहे हो चाहे जेम से ले रहे हो, मिनिमम 3 बीडर्स आर एक्सपेक्टेड। प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ए सिंगल बिड, कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर सिंगल बिड से, फ्रॉम सिंगल सोर्स से भी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी सिचुएशन होते हैं, इनमें से कौन ऐसे सिचुएशन नहीं है, एक्सेप्ट लिखा है साहब। इट इज इन द नॉलेज ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट दैट ओनली अ पर्टिकुलर फॉर्म इज मैन्युफैक्चर ऑफ द टेक्निकल ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स। ये तो लग रहा है कि ये सिंगल सोर्स वाला मटेरियल है, सो ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा। इन ए केस ऑफ इमरजेंसी एंड रीजन फॉर सच डिसीजन इज टू बी रिकॉर्डेड एंड अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट ऑथोरिटी। सो इमरजेंसी में भी सिंगल से लिया जा सकता है, ये भी सही लग रहा है, लॉजिकली बात कर रहे हैं। फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स टू बी कंपेटेबल टू बी एग्जिस्टिंग सेट्स ऑफ इक्विपमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कंपिटेंट टेक्निकल एक्सपर्ट द रिक्वायर्ड आइटम इज टू बी परचेस्ड ओनली फ्रॉम ए सेलेक्ट। ये भी सही लग रहा है। सो ये तीन सिचुएशन ऐसे लग रहे हैं जहां से प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स किया जा सकता है। इसमें एक्सेप्शन तीनों में से कोई नहीं लग रहा है, एक्सेप्शन सिर्फ डी ही लग रहा है, लेकिन उसको समझने के लिए हम रूल 166 समझेंगे। रूल 166 में दिया हुआ है सिंगल टेंडर इंक्वायरी का प्रोसेस। प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स मे बी रिसोर्टेड टू इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। सिर्फ ये तीन सिचुएशन है जिन सिचुएशन में प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स मे बी रिसोर्टेड। कौन कौन सा है? इट इज इन द नॉलेज ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट दैट ओनली अ पर्टिकुलर फर्म इज मैन्युफैक्चरर ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स। हमें पता है कि जो आइटम मुझे चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर फर्म ही उसको प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है, बाकी लोगों से पूछने का कोई अर्थ रह नहीं जाता। इन केस ऑफ इमरजेंसी द रिक्वायर्ड गुड्स आर नेसेसरी टू बी परचेज फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स एंड द रीजन फॉर सच डिसीजन इज टू बी रिकॉर्डेड। इमरजेंसी की सिचुएशन में, वो कौन सी इमरजेंसी हमें मजबूर कर रही है कि हमें सिंगल टेंडर इंक्वायरी से खरीदना है, वो एनोटेट करना है। सो इमरजेंसी सिचुएशन में भी सिंगल टेंडर इंक्वायरी को हम ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स, ये तो सबको पता है, बहुत लोगों के पास एचपी का प्रिंटर है ना, तो जो एचपी का प्रिंटर है उसमें कार्टेज भी एचपी का ही लगेगा। हो सकता है कि एचपी का प्रिंटर हमें 8,000 रुपये में मिल जाए, डिस्काउंट करके वो 5,000 रुपये में हमें एचपी का प्रिंटर दे देगा। वो उसका जो टोनर है, जो उसका इंक है, वो 8,000 रुपये में देता है, पैसा वसूल। और उसमें कंपेटिबिलिटी इशू है, दूसरा तीसरा इंक उसमें डालेंगे वो काम नहीं करेगा, एरर शो करेगा, नहीं तो क्वालिटी बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए एचपी के प्रिंटर में एचपी का ही टोनर डालेंगे। जब हम जेम पर प्रोक्यूर करने जाएंगे तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि एचपी का हमें कार्टेज चाहिए, और बाकी सब इंक कार्टेज डालेंगे, हो सकता है कि आपको 500 रुपये, 1,000 रुपये में, 2,000 रुपये में मिल जाए, वो कंपेटेबल नहीं है ना, कंपेटेबिलिटी उसकी एचपी के साथ ही बैठ रही है। तो 8,000, 10,000 में भी वो देगा तो उसको खरीदना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि प्रिंटर है 5,000 रुपये का और उसका इंक आता है 8,000 रुपये का, सब लोग खरीद रहे हैं, ऑप्शन नहीं है। क्यों? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी एंड कंपेटिबिलिटी विद द एग्जिस्टिंग सेट्स ऑफ द इक्विपमेंट।
तो ये तीन ऐसे सिचुएशन है जहां पे सिंगल टेंडर इंक्वायरी एडॉप्ट की जाती है। ये तीनों सिचुएशन एबीसी के रूप में यहां पर मेंशन है, इसलिए नन ऑफ द एबव इज द एक्सेप्शन, नन ऑफ द एबव इज एक्सेप्शन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इज अप्लीकेबल इन, एक प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। सो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इज अप्लीकेबल इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, टू बिड इंक्वायरी टेंडर। वैसे तो इसको जस्ट पहले हमने पढ़ा है, फिर भी देख लेते हैं। ये देखिए प्रोप्राइटरी आर्टिकल, ये जीएफआर का ही एक्सट्रैक्ट है। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग फॉर्म इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बिफोर प्रोक्यूरिंग द गुड्स फ्रॉम अ सिंगल सोर्स अंडर द प्रोविजन सब रूल्स 166(1), 166(3). क्या सिंगल टेंडर इंक्वायरी सिस्टम, अभी तो पढ़े ये 166(1), 166(3), ये देखिए ना, इतना जल्दी ना भूलिए 166(1), 166(2), 166(3). अगर सिंगल कोई मैन्युफैक्चरर हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, कंपेटिबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सेट हो, ये तीन है ना। तो ये सिंगल टेंडर इंक्वायरी से जब भी हम कोई परचेज करेंगे तो हमें क्या करना है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट हमें अटैच करना है। किससे, सिंगल टेंडर इंक्वायरी से। किसमें मेंशन है, रूल 166 में। प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, रूल नंबर याद हो जाते हैं। अगर याद करने चलेंगे तो रूल नंबर याद नहीं होंगे। अगर आपने ठान लिया कि रूल 1 से लेकर के .. तक हम याद कर लेंगे, याद नहीं होंगे। प्रैक्टिस करते चलिए। हम भी जब आपको बता रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, मुझे भी कुछ याद नहीं है। प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते करते वो सब जुबान पे आ जाते हैं, टिप ऑफ द टंग पे आ जाते हैं। सो ये सिंगल टेंडर इंक्वायरी जो है 166(1) से लेकर के 166(3) तक है, और उसी में सिंगल टेंडर इंक्वायरी में ही प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, एन ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक यूटिलाइज्ड बाय द प्रोक्यूरिंग एंटिटी टू सेलेक्ट द सक्सेसफुल बिड विच इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन बाय बीडर्स ऑफ द सक्सेसिवली मोर फेवरेबल बिड्स ड्यूरिंग अ शेड्यूल्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑटोमेटिक इवेल्युएशन ऑफ बिड इज कॉल्ड। बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, हम आपको बता देंगे, इसके बस ये बहुत आसान हो जाएगा। कह रहा है एन ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग, तो ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक तो सब हो गया। इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन बाय बीडर्स ऑफ सक्सेसिवली मोर फेवरेबल बिड्स, ये आपको कैची है। Involves presentation by bidders of successively more favorable bids during the scheduled period. वो electronic procurement कहलाएगा, electronic reverse auction कहलाएगा, electronic buyer seller auction कहलाएगा, electronic deliberation कहलाएगा। And the answer is electronic reverse auction। जी हाँ, चूंकि ये electronic process में हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, और रिवर्स ऑक्शन ये इसका नाम हो गया। ऑक्शन तो आपने सुना होगा ना, नीलामी, मूवी में बड़े बड़े लोगों की सिचुएशन थोड़े टाइट हो जाते हैं तो नीलामी की जाती है, तो बोलियां बोली जाती हैं, उस नीलामी को इंग्लिश में ऑक्शन कहते हैं। ये रिवर्स ऑक्शन है जी, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देम। So, फिलहाल इसका आंसर हो गया रिवर्स, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। क्या लिखा है जीएफआर में, जीएफआर में रूल 167 में इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के बारे में मेंशन किया हुआ है।
Electronic reverse auction means an online real-time purchasing technique utilized by the procuring entity to select the successful bid, which involves presentation by bidders of successively more favorable bids during a scheduled period of time and automatic evaluation of bids. ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पर छाप दिया गया है, ठीक है. एंड ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक, ऑन टाइम रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक है, पूरा का पूरा जो प्रोविजन है वो यहां पर प्रिंट कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया गया है. और इसका आंसर हो गया इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन. कैसे काम करता है ये? सो फॉर रिवर्स ऑक्शन क्रिएशन, बायर हैज टू डिक्लेयर अप फ्रंट इफ द इंटेंट ऑफ द बिड इज रिवर्स ऑक्शन. इन केस ऑफ मल्टीपल L1 और टाई, इट इज मैंडेटरी फॉर बायर टू गो फॉर. देखिए ऐसा है, प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास 154 रूल 154 में अप टू 25,000 डायरेक्ट परचेजिंग है, 155 में एलपीसी के द्वारा है 25 से लेकर के 2.5 लाख तक का, बाकी का क्या है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में चला जाएगा, एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी में चला जाएगा, सिंगल इंक्वायरी प्रोसेस सिंगल टेंडर प्रोसेस में चला जाएगा. तो ऐसे कौन से जरूरत पड़ती है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन को करना पड़ता है? तो उसका जो मेन जो कारण है वो ये है कि कई बार हमने कुछ बिड डाला और उसमें क्या होता है, नॉर्मली L1 L2 L3 वो जेम जो है वो शॉर्ट कर देता है. ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 L1 हो जाए, 10-10 लाख के 4 पार्टी हो गई, सब टेक्निकली क्वालिफाइड है और L1 4 पार्टी हो गई, क्या करेंगे? किसी एक को ही बिड देना है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो किसी एक को ही देना है और 4 जो है L1 हो गए, तो क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन को हम करते हैं. अब हम आपको बताते हैं ऑक्शन क्या होता है, नीलामी क्या होती है. नीलामी दो तरह की होती है, एक फॉरवर्ड ऑक्शन होता है और एक रिवर्स ऑक्शन होता है. फॉरवर्ड ऑक्शन वो होता है जो मूवी में हमने देखा है, जैसे किसी बिल्डिंग की नीलामी होगी तो बोला जाएगा इस बिल्डिंग की मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ रुपीज रखा गया है, इसमें जो हाईएस्ट बोली लगाएंगे उनको ये बिल्डिंग दे दी जाएगी. सो वो वहां पर क्या होता है, मिनिमम से शुरू होता है, 1 करोड़ मिनिमम रखा हुआ है. कोई 1 करोड़ 10 लाख बोलेंगे, कोई 1 करोड़ 20 लाख बोलेंगे, कोई 1 करोड़ 50 लाख बोलेंगे, कोई 2 करोड़ बोलेंगे, कोई 3 करोड़ बोलेंगे. जो हाईएस्ट बीडर होगा ही विल बी द सक्सेसफुल बीडर. फॉरवर्ड ऑप्शन में जो हाईएस्ट बीडर होंगे ही विल बी द सक्सेसफुल बीडर. यहां पे रिवर्स ऑप्शन है, रिवर्स ऑक्शन उल्टा होता है. रिवर्स ऑक्शन ये है कि 5 बीडर जो हैं वो 10-10 लाख रुपीस लगा चुके हैं इस बीड का वैल्यू, जो मुझे आइटम प्रोक्योर करना है, जो सर्विसेज मुझे लेनी है, 5 बीडर जो हैं 10-10 लाख रुपया लगा चुके हैं. दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट. बोली अब शुरू होती है कि इसमें जो सबसे कम वैल्यू, जो कम बीडिंग लगाएगा उसको हम टेंडर देंगे. रिवर्स ऑक्शन का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट से शुरू होता है और लोवेस्ट सक्सेसफुल होता है. फॉरवर्ड ऑक्शन में क्या होता है, लोवेस्ट से शुरू होता है, 1 करोड़ से शुरू होगा, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ वाला जो होगा वो कोई विजय बाबू होंगे त्रिशूल मूवी के, और 5 करोड़ में वो बिल्डिंग खरीद लिए. जो हाईएस्ट बीडर होगा उसको दे दिया जाएगा. रिवर्स ऑक्शन में हमें आइटम परचेज करना है, हमें बेचना नहीं है. यहां पर मैं सेलर नहीं हूं, जब मैं सेलर होऊंगा तो फॉरवर्ड ऑक्शन होगा, यहां पर मैं बायर हूं,
मुझे प्रोक्योर करना है, तो जब मैं बायर हूं तो मुझे कम से कम वैल्यू में आइटम को प्रोक्योर करना है। तो रिवर्स ऑक्शन में क्या होगा, पांच पार्टीज जो है वो पांच पार्टीज ने 10 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया का L1 बिड दिया है। अब मैं हाईएस्ट अमाउंट जो है वो 10 लाख है, इसमें से जो सबसे कम देंगे उनको हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो कोई पार्टी बोलेगी 9.9 लाख, कोई पार्टी बोलेगी 9.8 लाख, कोई पार्टी बोलेगी नहीं नहीं हम 9.7 से ज्यादा, हम उससे नीचे हम नहीं आ सकते। कोई पार्टी होगी जो 9.5 लाख पर भी कर दे। ये रियल टाइम प्रोसेस होता है, उस समय नोटिफाई किया जाएगा कि बीडर जो है, पांच बीडर हो गए हैं L1 के लिए, इसलिए ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन शुरू किया जाएगा इतने बज के इतने मिनट पर, यहाँ पर एडवांस में उनको नोटिफाई किया जाएगा। एग्जैक्टली रियल टाइम के अनुसार शुरू होगा और वो लोग बीड अपना देते जाएंगे। लास्ट बीड आ गया 9.5 लाख, तो उसके बाद से बाकी लोग बोले हम इससे नीचे नहीं जा सकते, तो 9.5 जो हो गया वो लिस्ट अमाउंट हो गया, ही विल बी द सक्सेसफुल बीडर एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑक्शन। सो फॉरवर्ड ऑक्शन में क्या होता है, बीडिंग स्टार्ट्स विद द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस। फॉरवर्ड ऑक्शन में बीड स्टार्ट्स विद द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस। रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है, बीड स्टार्ट्स विद द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअली। द लोवेस्ट बीड विंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड ऑक्शन एंड रिवर्स ऑक्शन। कहीं नहीं मिलेगा आपको ये जानकारी, ढूंढने के लिए आपको अथक प्रयास करने पड़ेंगे। आपके समझने के लिए हम इसको आपके समक्ष लेकर के आए हैं। अगर आप फॉरवर्ड ऑक्शन और रिवर्स ऑक्शन समझ गए हो तो प्लीज डू राइट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिखिए, आपके कमेंट की बेसब्री से हम प्रतीक्षा करते हैं, राइट? सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 आपका चैनल SCKG स्टडीज। इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। बहुत से लोग अभी भी एग्जैक्ट सुटेबल एंड कंप्रिहेंडिव समझ के लायक स्टडी मटेरियल की फिराक में है। अभी भी बहुत लोग बड़ी देर से ढूंढ पाते हैं कि स्टडी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। आप भी इसको देखें और अपने बाकी नियर एंड डियर को भी फैसिलिटेट करें, शेयर किया करें, इससे उन तक भी पहुंचती है। ये भी शेयर करना भी एक प्रकार का ज्ञान का दान करने करने का समान ही है, राइट? क्वेश्चन नंबर 26, स्टेट विद ट्रू और फॉल्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सुटेबल पीरियड आइदर विद द सप्लायर ऑफ द गुड्स और विद एनी अदर कंपिटेंट ऑफ फॉर्म नॉट नेसेसरी द सप्लायर ऑफ द सब्जेक्ट गुड्स इज आर स्पेशली नीडेड फॉर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉस्टली इक्विपमेंट एंड मशीनरी। सो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, बड़े बड़े इक्विपमेंट लेते हैं, मशीनरी लेती हैं, उनके लिए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता पड़ती है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेना है कि नहीं लेना है, उसके सिचुएशन क्या होते हैं, हम इस पर बता रहे हैं आपको। यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या सिर्फ उसी सप्लायर से हम ले सकते हैं जिसने हमें गुड्स सप्लाई किया है, या किसी और एजेंसी से भी ले सकते हैं, प्रश्न यहाँ पर ये है, ठीक है? तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है रूल 169 में मेंशन किया हुआ है, मशीनरी और इक्विपमेंट इज मेंटेन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। ध्यान रखिए, अगर कोई इक्विपमेंट हमने लिया है और वारंटी पीरियड 3 ईयर की है, तो उस 3 ईयर की वारंटी पीरियड में हम कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। वारंटी पीरियड में जो सप्लायर है ही हैज टू करेक्ट इट, ही हैज टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स। सो वारंटी पीरियड में मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, और पेड मेंटेनेंस ओनली आफ्टर वारंटी पीरियड। सो वारंटी पीरियड में मेंटेनेंस तो होगा, अगर जरूरत पड़ी तो मेंटेनेंस कराएंगे, पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वारंटी पीरियड में है।
वारंटी के कंडीशन के अनुसार है, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर और विद एनी अदर कंपेटेंट फर्म, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर और विद एनी अदर कंपेटेंट फर्म, दिस इज द कैची वर्ड। सो मेंटेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हो सकता है वो सप्लायर के साथ भी हो सकता है, अदर देन दैट पार्टिकुलर सप्लायर के साथ भी हो सकता है, अदर कंपेटेंट फर्म के साथ भी हो सकता है। ये है रूल 169 का, आपको जीएफआर का पोजीशन, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द, इसको हम पढ़ेंगे आपके समझने के लिए हम पढ़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट एंड नेचर ऑफ द गुड्स टू बी परचेज, इट मे ऑल्सो बी नेसेसरी टू एंटर इन टू मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सुटेबल पीरियड आइदर विद द सप्लायर और द गुड्स और विद एनी अदर कंपेटेंट फर्म। सो सप्लायर के साथ भी हो सकता है और एनी अदर कंपेटेंट फर्म के साथ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी द सप्लायर ऑफ द सब्जेक्ट गुड्स, सच मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्पेशली नीडेड फॉर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉस्टली इक्विपमेंट एंड मशीनरी, सोफिस्टिकेटेड एंड कॉस्टली इक्विपमेंट एंड मशीनरी के लिए मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास सेंट्रल एसी प्लांट होते हैं, एसी हो गए, लिफ्ट हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, इन सबका एएमसी हमें करना पड़ता है। इट मे हाउएवर बी केप्ट इन माइंड दैट द इक्विपमेंट और मशीनरी इज मेंटेन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द सप्लायर ड्यूरिंग इट्स वारंटी पीरियड और सच अदर एक्सटेंडेड पीरियड एज द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स मे प्रोवाइड एंड द पेड मेंटेनेंस शुड कमेंस वनली देयर आफ्टर। सो वारंटी पीरियड में पेमेंट नहीं करना है, राइट? देखिए सुटेबल पीरियड दिया हुआ है किसके साथ, कम विद द सप्लायर और अदर देन द सप्लायर, दोनों का इसमें मेंशन किया हुआ है। सो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्रू है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी विद द सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड विद अदर देन द सप्लायर ऑफ गुड्स, दोनों के साथ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, टू सेफगार्ड अगेंस्ट अ बीडर्स withdrawing or altering its bid during the bid validity period in the case of advertised or limited tender inquiry, bid security is obtained. Bid security is also called. So, rule 170 हो जाएगा. So, bid security किसी और नाम से भी जानी जाती है. Rule 170 में bid security mention है. Same प्रोविजन यहां पर लिखा हुआ है, टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द बीडर, टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द बीडर लिखा है ना, क्या लिखा है, बीड सिक्योरिटी आल्सो नोन एज अर्नेस्ट मनी। यहां पर देखिए बीड सिक्योरिटी का सेकंड नाम सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, वर्क गारंटी नहीं, परफॉर्मेंस डिपॉजिट नहीं, अर्नेस्ट मनी, यस अर्नेस्ट मनी इज द करेक्ट आंसर। सो बीड सिक्योरिटी को अर्नेस्ट मनी भी कहते हैं, बोली लगाना होता है ना, तो बोली की मनी है, इसको बयाना कह लीजिए, बयाना बोलते हैं ना, कभी कभी हम कोई सर्विसेज लेने जाते हैं तो बोलते हैं एडवांस दे दीजिए, तो एडवांस को हिंदी में तो उसका कुछ शब्द मिला नहीं, उर्दू में बयाना होता है। सो ये एडवांस है, एडवांस को यहां पर बिड सिक्योरिटी को अर्नेस्ट मनी कहते हैं, ठीक है। ये अर्नेस्ट मनी के बारे में बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बिड सिक्योरिटी का जो रूल 170 है इसमें बहुत से एमसीक्यू हैं, इसलिए इस 170 के प्रोविजन को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। सो पहले तो ये हो गया कि बिड सिक्योरिटी को हम अर्नेस्ट मनी भी कहते हैं, इज टू बी ऑब्टेंड फ्रॉम द बीडर्स एक्सेप्ट, अच्छा अर्नेस्ट मनी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे नहीं लेना है, किसे नहीं लेना है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस एमएसई से नहीं लेना है, और आर रजिस्टर्ड विद सेंट्रल प्रोक्योरमेंट। सो यहां पर कट गया है क्योंकि इसके आगे हम कुछ और आपको बताने वाले हैं। सो यहां का क्वेश्चन यही था कि अर्नेस्ट मनी बिड सिक्योरिटी का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 28, the amount of bid security should be ordinarily range between, same rule 170, उसमें bid security का हमने, यहाँ पर bid security का हमने ये सब clause 1 देखा, अभी क्या है bid security का amount होगा सब clause 2 में, कितना amount हो सकता है ये देखिए,
The bidder should be asked to furnish the bid security along with their bids. Amount of bid security should ordinarily range between 2% to 5% of the estimated value. 2% से 5% के बीच में होना चाहिए अर्नेस्ट मनी. The amount of the bid security should ordinarily range between 2% to 5% of the estimated value of the goods to be procured. So, 2 से 5% होना चाहिए. कुछ आगे भी पढ़ लेते हैं. हमारा जो MCQ है उसका पर्पस यहीं तक फुलफिल हो जाता है. आगे देख लेते हैं, शायद आगे काम आ जाए. The amount of bid security should be determined accordingly by the ministry or department and indicated in the bidding documents. The bid security may be accepted in the form of insurance security bid. ये देखिए, ये 20 नंबर जो दिया हुआ है, ये amendment के द्वारा इसको लाया गया है. पहले insurance security bid इसमें नहीं आता था, अभी इसमें insurance security bid आ गया है. MCQ में question बन सकते हैं. जो भी changes आते हैं वो पेट ऑफ द एग्जामिनर बन जाते हैं. सो दैट इंक्लूड्स इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, बैंकर्स चेक, बैंकर्स गारंटी इंक्लूडिंग ई बैंक गारंटी, ये सब मिलकर के 2% से लेकर के 5% के बीच में बिड सिक्योरिटी हो सकती है. राइट. सो क्वेश्चन हमारा और आंसर बी इज द करेक्ट, 2 to 5% of the estimated value of the goods to be procured. So this is the bid security which is known as earnest money also. Right? Question number 29. Bid security may be exempted for. अभी हमने आपको बताया कि इसमें आगे वाला थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें कुछ exemption लिखा है, शायद हमारे काम आ जाए. वो काम आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन में बिड सिक्योरिटी मे बी एग्जेम्प्टेड फॉर, किनसे बिड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा. माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस MSE से नहीं लिया जाएगा. ये तो हम पढ़े हैं लग रहा है. ये सप्लायर्स रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन और द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ये भी उसमें था. बोथ ऑफ द अबव बिड सिक्योरिटी मे बी एग्जेम्प्टेड. सो सी सही लग रहा है, नन तो होगा नहीं. तो इसका प्रोविजन देख लेते हैं. रूल 170 में ही यहां पर कहां पर दिया है, इट शुड बी एक्सेप्ट. ये एक्सेप्ट के बाद से ये जो है एग्जेम्प्टेड है, इनसे नहीं लिया जाएगा. ये थोड़ा नीचे कट रहा था इसलिए मैंने इसका प्रोविजन ऊपर ले लिया. माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सो MSE और आर रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन और कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है. और स्टार्टअप एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, DPPIT से रिकॉग्नाइज होना चाहिए स्टार्टअप. तो इन तीन कंडीशन में बिड सिक्योरिटी मनी एग्जेम्प्टेड है. राइट. सो सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. The bid security is normally to remain valid for a period of. Again, it is related to rule number 170. 170 में bid security है. समझाने के लिए हम सीरियरली आपको क्वेश्चन डाल रहे हैं ताकि आप समझते जाएं. जो क्वेश्चन सेटर है वो सीरियरली क्वेश्चन नहीं डालेगा, वो ऊपर नीचे भी डाल सकता है. इसलिए बाय प्रैक्टिस you have to keep in your mind this. Yes, bid security 170, single tender inquiry 162, advertised tender inquiry 163, sorry, limited tender inquiry, limited tender inquiry 162, advertised tender inquiry 163, single tender inquiry 166, maintenance 169, बिड सिक्योरिटी 160, 70. आपके साथ ही हम पढ़ रहे हैं. सो द बिड सिक्योरिटी इज नॉर्मली टू रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ. सो अगेन हमें देख जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो बैक टू प्रोविजंस ऑफ रूल 170. सो 170 में क्या लिखा है,
The bid security is normally to remain valid for a period of 45 days beyond the final bid validity period. 45 days. So, इसमें 30 days beyond the final bid, 30 days from the date of inviting the bid, 45 days beyond the final bid, 45 days from the date of inviting bid. So, यहाँ पर 45 days दो है. 45 days beyond the final bid validity period. 45 days beyond the final validity, bid validity period. So, C is the correct answer. एक एक क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा, बड़ी ट्रिक से समझना पड़ेगा. जो क्वेश्चन सेटर है वो कंफ्यूज करने में पीएचडी किया है, उसने मास्टरी किया है, उसका एक्सपर्टाइज है उसको. वो क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करेगा कि आंसर देते समय जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो जाए. हम कंफ्यूज नहीं होंगे, इस लेवल तक हमें प्रैक्टिस करना. अगर प्रैक्टिस हमारा ठीक रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी. आपने देखा हमने इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन को कितनी आसानी तरीके से समझाया. ऑक्शन मतलब नीलामी होती है. नॉर्मली फॉरवर्ड ऑक्शन होता है जो हम मूवीज में देखा करते हैं. अगर मुझे कोई सामान बेचना है तो मैं फॉरवर्ड ऑक्शन में जाऊंगा और बोली शुरू करेंगे. मिनिमम इसका फिक्स फ्लोर प्राइस फिक्स हो गया. फ्लोर प्राइस इसका 1 करोड़ है. 1 करोड़ से ऊपर जो बोली लगाएंगे ही विल बी द सक्सेसफुल बिडर फॉरवर्ड ऑक्शन में. जब मुझे कोई आइटम खरीदना है तो सेलर कोई और है, इसलिए मैं क्या करूंगा, रिवर्स ऑक्शन लगाऊंगा. रिवर्स ऑक्शन में क्या होगा कि हाईएस्ट अमाउंट इज फिक्स्ड, वहां से जो नीचे बोलेगा उसको हम ही विल बी द सक्सेसफुल बिडर. इसको बहुत आसानी से हमने इससे पहले समझाया है, आप उसको देख लें, आपका ज्ञान वर्धन होगा. आपका चैनल दूसरा चैनल एससी केजी 2.22 जिस पर एसएसओ प्रोवेशन क्लियरेंस के सारे स्टडी मटेरियल है, ईएसआईसी के डेप्यूटी डायरेक्टर के रिक्रूटमेंट के सारे स्टडी मटेरियल हैं, जनरल इंग्लिश के मटेरियल हैं, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सबके मटेरियल इस पर अवेलेबल है. इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें. मिलते हैं अगले क्लास में इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक बना करके. तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एससी केजी स्टडी जनरल एससी केजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस. नमस्कार.